हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ससुराल में विधवा स्त्री के क्या क्या अधिकार होंगे और विधवा स्त्री का जो भरण पोषण है वो कौन देगा और विधवा स्त्री किस पर मेंटेनेंस के लिए वाद ला सकती है तथा विधवा स्त्री का संपत्ति में कितना अधिकार होगा और किस किस संपत्ति पर अधिकार होगा और किस पर नहीं होगा और अगर विधवा स्त्री के पति द्वारा कोई स्वर्जित संपत्ति ली गई है तो उसमें उसका कितना अधिकार होगा। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे चैनल भारद्वाज लो टिप्स एंड गाइड में। तो वीडियो एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, अगर विधवा स्त्री ससुराल में रहती है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है और वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है और वो अपना भरण पोषण करने में असक्षम है तो वह अपने ससुर पर भरण पोषण के लिए वाद ला सकती है और अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है और ससुर भी जो ये मेंटेनेंस देने के लिए बाध्यकारी होगा और उसका भरण पोषण देगा। अब बात आती है कि विधवा स्त्री का संपत्ति में कितना अधिकार होगा। तो मान लीजिए कि विधवा स्त्री के पति द्वारा कोई स्वर्जित संपत्ति ली गई है तो उसमें जैसे उसके पति की डेथ हुई थी उसके तुरंत बाद ही वह उसकी पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाती है जो उसके पति द्वारा स्वर्जित संपत्ति ली गई थी उसकी। और अगर विधवा स्त्री की कोई संतान है, मान लीजिए कि विधवा स्त्री के दो बेटे हैं, तो जो उसके पति द्वारा स्वर्जित संपत्ति ली गई थी जो उसने खुद खरीदी थी उसके तीन हिस्से होंगे, दो विधवा स्त्री के बेटे के और एक खुद का, मतलब तीनों में बराबर बराबर का हिस्सा हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि जो विधवा स्त्री है उसके ससुर के पास कोई पैतृक संपत्ति है तो उसमें उसका अधिकार कितना होगा। तो अगर उसके पास कोई पैतृक संपत्ति है तो जब उसका बंटवारा होगा, उस संपत्ति का जब बंटवारा होगा तो जितनी उसके पति के हिस्से में आनी थी वो उसको हिस्सा मिल जाएगा, उस जो उसके पति का हिस्सा था वो उस विधवा स्त्री को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और किसी भी लीगल हेल्प के लिए हमारी सोशल साइट पर संपर्क करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।